हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अमेज़न हॉल। अमेज़न से मैंने कुछ स्किन केयर, कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं, तो वो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ इस वीडियो में। और सारे प्रोडक्ट्स की परचेजिंग इंडिविजुअल लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी और एक माई हॉल स्टोर का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी, जहां पर क्लिक करके आप इन सारे प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं या फिर चेकआउट कर सकते हैं। सो चलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट के बिना मेरे आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला प्रोडक्ट है वो है ये वाला टोनर। ये है पिलग्रिम सीक्रेट्स ऑफ जेजू आइलैंड फेस मिस्ट एंड टोनर। इसमें व्हाइट लोटस है, कैमलिया है, विच हेजल है और ये 100 ml का बॉटल है। और इसका जो फ्रेग्रेंस है वो मुझे काफ़ी पसंद है और ये बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग सा है। और टोनर्स आपके पोर्स को क्लोज कर देता है, तो टोनर्स इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपकी स्किन के लिए परफेक्ट रहेगा, क्योंकि ये स्किन को हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है। और आप मेकअप के बाद भी इसे चाहते हैं तो स्प्रे कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा मेकअप ड्यूवी हो जाता है। सो इसका भी परचेजिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है, आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। दिस इज वेरी गुड प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है एक मॉइस्चराइजर। काफ़ी लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि ऑयली स्किन के लिए कोई मॉइस्चराइजर सजेस्ट करने के लिए, एक्ने प्रोन स्किन के लिए कौन सा वाला अच्छा रहेगा। सो ये है प्लम ग्रीन टी मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर। तो ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट एक मॉइस्चराइजर है जो स्किन में इंस्टेंटली अब्जॉर्ब हो जाता है, बिल्कुल भी ऑयलीनेस या पैचीनेस नहीं देता। और ये आपकी स्किन के लिए परफेक्टली रहेगा। अगर आपकी स्किन में एक्ने की प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं। ये 50 ml का है और इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है। इसका जो टेक्सचर है वो आप देख सकते हैं, काफी अच्छा इसका टेक्सचर है एंड बहुत लाइट वेट है, तो स्किन पर ऐसा हेवी सा फील नहीं होगा। ये बेस्ट रहेगा अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली है, बट ड्राई स्किन के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आजकल ऑयलीनेस किसी को भी पसंद नहीं है, स्पेशली मानसून एंड समर सीजन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो डेफिनेटली आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। पंप सिस्टम में आता है तो ट्रैवलिंग के टाइम भी ईजी रहेगा और ये यूज करने में भी काफी हाइजेनिक है। सो दिस इज द नेक्स्ट वन। थर्ड जो प्रोडक्ट है वो है ये निविया डिओड्रेंट वाइटनिंग स्मूथ स्किन। इसमें आपको 48 hours का प्रोटेक्शन मिलेगा और ये रोल ऑन है। ये बहुत ही अच्छा है, ये बॉडी ओडर को भी कंट्रोल करता है एंड ये जो सीजन है अभी मॉनसून एंड समर काइंड ऑफ सीजन, इस सीजन में इस तरीके के डिओड्रेंट्स आप ट्राई कर सकते हैं। ये उसमें इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, ये परफ्यूम या डिओ जैसा नहीं है, बट ये रोल ऑन काइंड ऑफ है जो बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करेगा और इसमें वाइटनिंग इफेक्ट भी है। तो अगर आपके अंडर आर्म्स में ब्लैक पैचेस आ गए हैं तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इसका जो MRP है वो है 185 rupees, लेकिन Amazon पे मुझे ये काफी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल गया। सारे ही प्रोडक्ट्स मैंने Amazon पे डिस्काउंटेड प्राइस में परचेस किया है, तो आप Amazon से यही जो फायदा है ना Amazon पे परचेस करने का, वो है कि आपको सारे प्रोडक्ट्स में ना हर टाइम, ऐसा नहीं कि कुछ पर्टिकुलर सीजन है, हर टाइम ही कुछ ना कुछ डिस्काउंट लगा रहता है, 10%, 15%, 20% डिपेंड करता है, बट आपको डिस्काउंटेड प्राइस में हमेशा ही मिल जाएगा। तो आप प्राइसेस चेक कर सकते हैं, जब आपको लगेगा कि हाँ ये आपके बजट में है उस टाइम आप परचेज कर सकते हैं। ये मुझे बहुत ज्यादा अफोर्डेबल, आई थिंक 150 के नीचे मुझे मिल गया था। और इसके काफी सारे और वेरिएंट्स भी है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड कर दूंगी, आप उन वेरिएंट्स को भी ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके के डिओड्रेंट्स बहुत ज्यादा हैंडी होते हैं, आप इसे ट्रैवलिंग के वक्त भी यूज कर सकते हैं, काफी अच्छा है। इसमें मेन वेरिएंट भी आता है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने मेबेलिन न्यूयॉर्क सेंसेशनल लिक्विड मैट कुछ लिपस्टिक पाउचेस ट्राई किए हैं। ये लिक्विड लिपस्टिक्स हैं लेकिन पाउच फॉर्म में आता है, तो ये ट्रैवलिंग के लिए तो बेस्ट है, बट इसमें बहुत कम क्वांटिटी मुझे ऐसा लगा था जब मैंने ऑर्डर किया था कि मुझे बहुत कम क्वांटिटी मिलेगी, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है। और जो बुलेट लिपस्टिक्स या लिक्विड लिपस्टिक जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो ख़त्म ही नहीं होता, सालों साल चलता है, तो वो भी कई बार तो एक्सपायर भी हो जाता है। तो इस तरीके के पाउच लिपस्टिक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये आप इजीली, ये ख़त्म भी हो जाएगी, आपकी एक्सपायरी डेट से पहले भी ख़त्म हो जाएगी और ये काफ़ी दिनों तक चलती है। इसमें ऐसा नहीं कि आपने एक दो बार लगाया और खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कलर्स बहुत ज्यादा प्रीटी कलर्स है और ये मतलब ये एक सेट था, आपको ये सिंगल पीसेस नहीं मिलेंगे, आपको ये सेट ही लेना पड़ेगा। इसमें जो शेड मुझे मिला है वो है 01 बेर इट ऑल। ये बहुत ज्यादा प्रीटी शेड है, लेकिन ये अगर आपकी डस्की स्किन टोन है तो ये वॉश हो जाएगी, इट विल वॉश आउट योर फेस, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा फेयर टू मीडियम स्किन टोन के हैं तो आपके लिए परफेक्ट रहेगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट जो शेड है वो है स्ट्रिप इट ऑफ, ये NU02 शेड है। ये बहुत ज्यादा पीची सॉर्ट ऑफ न्यूड शेड है जो कि फेयर टू मीडियम स्किन टोन के लिए परफेक्ट रहेगा, डस्की स्किन टोन के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। बट डस्की स्किन टोन के लिए भी इसमें दो और शेड्स है जो कि थोड़ा सा डार्कर साइड में है, और उसमें है 06 बेस्ट बेब, और ये शेड मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। ये हर स्किन टोन को, स्पेशल इंडियन स्किन टोन को कम्प्लीमेंट करेगी। और ये शेड पिंकिश काइंड ऑफ है थोड़ा सा, लेकिन इसके जो फॉर्मूला है ना, इन सारे लिपस्टिक्स के बहुत ज्यादा क्रीमी एंड बहुत कंफर्टेबल लिप्स पर फील होते हैं। नेक्स्ट जो शेड है वो है 02 सॉफ्ट वाइन, जो इंडियन ड्रेसेस पर बहुत अच्छी तरीके से जाएगा। और ये वेडिंग सीजन पे, सामने ही दिवाली आ रही है, फिर दुर्गा पूजा है, तो आप फेस्टिव सीजन पे भी इस तरीके के लिप शेड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा एकदम मरून काइंड ऑफ, डार्क मरून काइंड ऑफ इसका जो शेड है वो है। और ये लिपस्टिक्स स्मज प्रूफ है, किस प्रूफ है, तो डेफिनेटली ये लिपस्टिक्स आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने एक हेयर ऑयल लिया है और जो कि ट्रैवल साइज एक पैक में है। ये है वाउ स्किन साइज अनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल विद कॉम्ब एप्लीकेटर। इसके साथ ही कॉम्ब एप्लीकेटर भी आएगा, और इस तरीके के छोटू सा पैक ट्रैवलिंग के वक्त बहुत ज्यादा हैंडी एंड यूजर फ्रेंडली हो जाता है। और इसमें 50 ml प्रोडक्ट है जिसका प्राइस है 199 rupees, लेकिन ऑब्वियसली मैंने अमेजन पे इसे डिस्काउंटेड प्राइस में परचेज किया है। और ये जो अनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल है, ये हेयरफॉल के लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है, हेयरफॉल को रिड्यूस करता है और हेयर ग्रोथ भी प्रमोट करता है। आप इसे वार्म करके, थोड़ा सा वार्म करके अगर अप्लाई करें तो जल्दी से ये आपके स्कैल्प पर पेनिट्रेट हो जाएगा। आप इसे हेयर लेंथ में भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका भी परचेजिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा। इसी तरीके का हॉल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं वो आप नीचे कमेंट करके जरूर मुझे बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बाय।